जितेंद्रिय, इंद्रिय को जीतने की कोशिश करिए, यानी इंद्रिय पर कंट्रोल रखिए। ये कैसे होगा? इंद्रिय को जीतने का अर्थ है भगवान का भजन करना है। कथा सुन रहे हैं तो लग रहा है, अगर चलिए आपको बता ही देते कैसे करना है। अगर आंख कहे, आंख भी एक इंद्रिय है, आंख कहे कि पिक्चर देखना है, मूवी देखना है, तो आप कहो नहीं, मूवी नहीं देखना, भगवान को देखना। राम लला अपने दरबार पर विराजमान हो गए, नित्य प्रति राम जी का दर्शन करने की स्वभाव बनाइए। आप आंख को बोलो कि भगवान का दर्शन करना है, कान कहेगा गाने सुनना, नहीं नहीं आपको नहीं भजन सुनना है। जीभ कहेगा, जिह्वा कहेगा, चलो अच्छा अच्छा खा लेते, चाउमीन मोमोज फुल्की सब खा लेते हैं, लेकिन आप कहो कि नहीं वो नहीं खाना है। ये जिह्वा मिला भजन करने के लिए, नाम जप करने के लिए। जिसको ये सब चीज पसंद होता है ना, उसको कंट्रोल ही नहीं होता। रास्ते में चलते हुए दिख जाए तो मन करता है थोड़ा फुल्की खा लें। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, मस्ती में बोलो ना। इस प्रकार इंद्रिय को आप जीत सकते हैं, जितेंद्रिय। उसके बाद भगवान के सुंदर छवि को अपने मन में धारण करिए। भगवान कहाँ है? पूरे विश्व में भगवान ही तो है, हर प्राणी के भीतर भगवान है। पाताल में तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्षणी प्रपदे रसातलम् महातलम् विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलम् वै पुरुषस्य जंगे। सुखदेव जी कहते हैं पाताल भगवान का पाद मूल है और रसातल भगवान का एड़ी है, पाव का अग्रभाग। महातल भगवान के दो गुल्फ है, जंगा तलातल है और नाभि आकाश मंडल भगवान का नाभि है। अग्नि भगवान का मुख है और वृक्ष भगवान का हाथ है और नदियां भगवान के नाड़ी है। इस संसार में ही आप भगवान का स्थूल रूप का, विशाल रूप का दर्शन कर सकते हैं। बाकी सबके भीतर राम जी को देख करके प्रणाम करने की स्वभाव बनाइए। प्यार से बोलो, मस्ती में बोलिए ना,